तो मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने एंगुलर 4 प्रोजेक्ट के अंदर एक कस्टम इवेंट का यूज कर सकते हैं, कैसे कस्टम इवेंट बना सकते हैं। कस्टम इवेंट का मतलब ये होता है कि वैसे तो कुछ प्री डिफाइंड इवेंट्स होते हैं, लाइक आपने देखा होगा क्लिक इवेंट है, माउस के माउस एंटर है, माउस आउट है, तो ये प्री डिफाइंड कुछ इवेंट्स होते हैं। लेकिन आप खुद का अगर कोई इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ जो चीज सीखने वाले हैं वो ये है कि कोई भी आप जैसे चाइल्ड कंट्रोल कंपोनेंट बनाते हो, क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट तो हमें बनाने होते हैं, रूट कंपोनेंट तो एक ही कंपोनेंट होता है बाई डिफॉल्ट जो होता है app.component.ts। तो लेकिन अगर आप चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं और चाइल्ड कंपोनेंट पे आप कोई डेटा सेट करते हो और उस डेटा को आप किस तरीके से पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर पास कर सकते हो, वो चीज आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो अप्रोच है ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है, क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट आपके बॉटम में आता है और जो आपका पेरेंट कंपोनेंट होता है यानी कि app.component.ts वो टॉप पर आता है। तो हम चाइल्ड कंपोनेंट से डेटा को पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर डेटा को पास करेंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेटा पासिंग की 2 टेक्निक्स होती हैं, एक तो होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग और एक होता है इवेंट बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का मतलब आपने देखा था कि कंपोनेंट क्लास के अंदर आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उन वेरिएबल्स को आप अपने एज ए प्रॉपर्टी यूज में ले सकते हो टेम्पलेट के अंदर, और ये कंपोनेंट टू जो आपका टेम्पलेट है वहां डेटा पास करने की टेक्निक हो गई। इवेंट्स बाइंडिंग में क्या होता है कि आप डेटा को पास करते हैं, ठीक है ना, आप डेटा पास करना चाहते हैं, यानी कि जैसे कोई आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि मैं क्लिक इवेंट बनाता हूं, तो क्लिक इवेंट के अंदर मैं कोई भी डेटा पास कर सकता हूं कंपोनेंट क्लास के अंदर, और ये जो टेक्निक होती है ये इवेंट बाइंडिंग कहलाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या चीजें आपको सिखाने जा रहा हूं, एक तो किस तरीके से आप चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा पेरेंट कंपोनेंट पर पहुंचा सकते हो जो कि app.component.ts होता है। दूसरा, मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, वी विल क्रिएट कस्टम इवेंट यूजिंग इवेंट इमिटर ऑब्जेक्ट। कस्टम इवेंट यानी कि खुद के यूजर डिफाइंड इवेंट्स। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकल पार्ट पर मूव करते हैं। वीडियो का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कोड मैंने पहले से ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन बेसिक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसे मेरी एक app.component क्लास है, इसके अंदर कुछ कोड ज्यादा आता है, वैसे भी बाय डिफॉल्ट आप जब क्रिएट करते हैं, लेकिन मैंने वो कोड यहाँ से रिमूव कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपकी app.module.ts फाइल है, तो इसके अंदर भी आप क्या करते हैं कि कोई भी अगर नया कंपोनेंट ऐड करते हो तो उस कंपोनेंट का रेफरेंस आपको यहाँ पास करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला मेरा जो काम होगा यहाँ एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना। कंपोनेंट मैं चाहता हूँ कि src फोल्डर के ऐप फोल्डर के अंदर आए, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, cd src ऐप, मैं इस फोल्डर के अंदर जाना चाहूंगा। फिर मुझे एक नया अगर कंपोनेंट जनरेट करना है तो मैं यहाँ कोड करता हूँ ng, ये ng तो आप जानते ही हैं कमांड है, एंगुलर cli कमांड। आपको यहाँ क्या करना है, जनरेट कंपोनेंट, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, और मैं अपने कंपोनेंट का नेम लिख देता हूँ माई कंपोनेंट। ओके, माई कंपोनेंट, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक नया फोल्डर क्रिएट नहीं करे, नहीं तो होता क्या है कि ये क्या करता है कि एक नया कंपोनेंट जब क्रिएट करता है तो एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता है, उसके अंदर ts फाइल और जो भी आपकी फाइल्स होती हैं html फाइल, css फाइल और specification.ts फाइल, वो सारी की सारी फाइल क्रिएट हो जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पर इसी डायरेक्टरी यानी कि ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही अपना कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो एंटर करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ एक कंपोनेंट आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो आप देखें ये 4 फाइलें आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं जब आपका एक कंपोनेंट अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ कोड जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है वो कोड मैं आपको यहाँ डायरेक्टली बता देता हूँ, समझा दूंगा मैं आपको कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहला काम जो होगा वो आपको करना क्या है कि जो भी आपने चाइल्ड कंपोनेंट बनाया ठीक है ना, उसको डेकोरेट करेंगे, उसके अंदर इवेंट लिखेंगे। पहले इसे देख लेते हैं, तो मेरी जो फाइल है आप यहाँ गौर से देखिएगा, जो मेरी फाइल है वो ये है माई कंपोनेंट component.ts, इस फाइल के अंदर मैं वो कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये कोड हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमारी यहाँ यूज में आ रही हैं। कंपोनेंट और ऑन नेट तो ये तो प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली आते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको 2 चीजें यहाँ पर और यूज में लेनी है, इवेंट इमिटर और आउटपुट। देखिए आउटपुट जो यहाँ पैकेज बोले या फिर बोले कि डायरेक्टरी या लाइब्रेरी को आप जब ऐड कराते हो तो उसके लिए वो इसलिए कराते हैं, यहाँ पर आपको आउटपुट का यूज करना होता है। ठीक है, ये आउटपुट किस लिए यूज में आता है, ये इसलिए यूज में आता है कि जैसे आप कोई भी अपना चाइल्ड कंपोनेंट है उस चाइल्ड कंपोनेंट से किसी डेटा को पास करना चाह रहे हैं पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर इसे यूज में लेंगे। तो आपने यहाँ लिखा जैसे आप, चलिए ठीक है पहले तो उसे बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये आपको 2 सबसे पहले लाइब्रेरीज को यहाँ ऐड कराना है, इवेंट इमिटर और आउटपुट। इसके बाद आप अपने कंपोनेंट का नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ जो दिया है ऐप माई कंपोनेंट, ठीक है, इसे मैं फर्दर अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर यूज में लूंगा। फिर आपने टेम्पलेट के अंदर एक सिंपल एक बटन बना दिया,
ये बटन कर क्या रहा है, इस बटन के अंदर आपने जो जेनरिक इवेंट हैंडलिंग होती है वही अपन यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्लिक इवेंट प्री डिफाइंड इवेंट है, इसके अंदर क्लिक चाइल्ड नाम से एक फंक्शन कॉल कर रहे हो और ये फंक्शन की डेफिनेशन आपने यहाँ लिखी हुई है। लेकिन इसे देखने से पहले आप थोड़ा सा इसे गौर से यहाँ देखें। सबसे पहले आप कर क्या रहे हैं कि क्लिक्ड के नाम से, अब ये जो चीज़ आप बनाने जा रहे हो इवेंट इमिटर, इमिटर हिंदी में अगर बोलें तो फेंकना होता है, थ्रो करना होता है, ठीक है। तो इवेंट थ्रो कर रहे हैं अपन कहाँ पर, चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि क्लिक्ड के नाम से आपका ये यूजर डिफाइंड इवेंट बनेगा। मैं गौर से सुनिएगा, दिस इज द यूजर डिफाइंड इवेंट। और यहाँ आउटपुट इसलिए लगाया मैंने क्योंकि इस इवेंट को मुझे फर्दर यूज में लेना है। कहाँ लेना है, ऐप कंपोनेंट के अंदर, यानी कि जो आपका पेरेंट कंपोनेंट है उसके ऊपर मैं इसे यूज में लेना चाह रहा हूँ। ये किस टाइप का डेटा को थ्रो कर सकता है, ये स्ट्रिंग टाइप के डेटा को थ्रो करेगा। हालांकि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, आप चाहें तो किसी क्लास को भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक सिंपल सी कोई स्ट्रिंग है, कोई डेटा है, वो मैं थ्रो करना चाह रहा हूँ अपने पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर। तो मैंने यहाँ ये जेनरिक क्लास का यूज करके इस तरीके से मैंने क्लिक्ड के नाम से कस्टम इवेंट बना दिया जिसे मैं आगे फर्दर थ्रो करूंगा। यहाँ क्या हो रहा है, क्लिक चाइल्ड यानी कि जो आप बटन है, ठीक है ना, ये क्लिक चाइल्ड इसे कॉल कर रहा है। इसमें आप कर क्या रहे हो, दिस डॉट क्लिक डॉट इमिट, यानी कि आप कर क्या रहे हैं, इमिट फंक्शन का यूज करके इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से आप ये डेटा यानी कि स्ट्रिंग डेटा आप थ्रो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने स्ट्रिंग लिया है इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज करूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप इसे पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर यूज में लेंगे, ठीक है, ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर, तो उस कंडीशन में ये जो डेटा होगा ये डेटा वहां पर पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लिक इवेंट को आपने यहाँ पर थ्रो करने के लिए कॉन्सेप्ट दे दिया, यानी कि क्लिक इवेंट ये स्ट्रिंग थ्रो करेगा। ओके, जब आपका ये काम हो जाता है तो आपको जो रेफरेंसेज हैं यानी कि जो आपने नया कंपोनेंट क्रिएट किया है उसका रेफरेंस आपको दो जगह पास करना होता है, एक तो इंपोर्ट स्टेटमेंट के अंदर और एक डिक्लेरेशन के अंदर। तो चलिए मैं पास करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने क्या करा है कि जो मेरा खुद का कंपोनेंट बनाया था माई कंपोनेंट के नाम से, ठीक है, उसका रेफरेंस यहाँ दे दिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ माई कंपोनेंट आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अगर इसकी क्लास को देखेंगे माई कंपोनेंट क्लास ही है, ठीक है। तो आपने इसमें रेफरेंस यहाँ पास करा दिया, पहले वेरिएबल आप पास कराते हैं फिर उसका रेफरेंस आप डिक्लेरेशन के अंदर जरूर से दें, ये ना भूल जाए। क्योंकि होता क्या है, एंगुलर जो कंपाइलर होता है वो सिर्फ ऐप कंपोनेंट को ही कंपाइल करता है, ठीक है, जो उसका पेरेंट कंपोनेंट है। ऐसा नहीं कि जितने भी कंपोनेंट्स आप बनाते हो उन सबको कंपाइल करेगा, जो कंपोनेंट के रेफरेंसेज आप ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर दे देते हो वही कंपोनेंट आपके यहाँ से कॉल हो जाते हैं। लेकिन बूटस्ट्रैप जो कंपोनेंट होता है वो ऐप कंपोनेंट ही होता है। तो ये आपने रेफरेंस यहाँ दे दिया कंपोनेंट का, अब आपको वापस से कहाँ जाना है, ऐप कंपोनेंट पर, यानी कि जो आपका पेरेंट कंपोनेंट है। तो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर भी कुछ प्रोग्रामिंग यहाँ मैंने की हुई है, तो वो अपन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया और पूरा का पूरा यहाँ पर डेटा डाल दिया। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं यहाँ पर कोडिंग कर रहा हूँ ये कोडिंग मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा मेरी साइट पर yogesh.net.com। इवन मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ सब सारे वीडियोस के जो भी कोड होते हैं वो आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या चीज़ हो रही है, मैं आपको क्लियरली आपको बताता हूँ। जैसे एक तो आपने माई कंपोनेंट का रेफरेंस यहाँ पास करा दिया, ओके, ये आपने यहाँ पास करा दिया। दूसरा आपको करना क्या है, यहाँ टेम्पलेट यूज में लेना है। अब टेम्पलेट में कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे जस्ट एक मैं इधर लिख देता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट डेटा, कंपोनेंट डेटा पासिंग, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है लेकिन ये जस्ट एक स्ट्रिंग है। अब इसके बाद देखिए जो आपने वहाँ कंपोनेंट बनाया था, अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूँ तो मेरा यहाँ जो सेलेक्टर था वो ऐप माई कंपोनेंट था, ठीक है। तो ऐप माई कंपोनेंट को आपने यहाँ पास करा दिया इसके क्लिक्ड पर। अब ये क्लिक्ड क्या हो गया, ये क्लिक्ड है आपका खुद का डिफाइंड इवेंट इमिटर यानी कि कस्टम इवेंट, ठीक है। इसके क्लिक्ड पर ऑन क्लिक्ड इवेंट आपने मेथड आपने कॉल किया, ठीक है, जिसमें इवेंट का यूज कर रहे हैं जो कि डेटा को पास करने के लिए यूज में आ रहा है, ठीक है ना। अब ये डेटा कौन सा डेटा होगा जो आप वहां से चाइल्ड कंपोनेंट से सेंड कर रहे हैं, यानी कि ये डेटा जो है आपका वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट पर पास हो जाएगा, ठीक है, डॉलर इवेंट के थ्रू। और ऑन क्लिक्ड पर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक वैल्यू यहाँ वेरिएबल पास कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और आपने क्या करा कि चाइल्ड डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर आप वो डेटा को शो करना चाहते हैं। तो आप कर क्या रहे हो, जो चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा है उसे आप चाइल्ड डेटा यानी कि पेरेंट कंपोनेंट के इस पर्टिकुलर वेरिएबल में सेट कर रहे हो। तो आपने दिस डॉट चाइल्ड डेटा में वैल्यू को पास कर दिया जो कि इस वेरिएबल का नेम है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले आप डायरेक्टरी से बाहर आ जाइए, इसकी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ लिखता हूँ ng serve और ओपन, एंटर करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि कंपाइलेशन प्रोसेस चलेगा और उसके बाद आपके सामने आउटपुट आएगा।
ये अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है, आई थिंक कुछ इशू आ गया है इसमें. कंप्लीटेड सक्सेसफुली. जस्ट अ मिनट, एक बार दोबारा से मैं इसे रिकम्पाइल कर लेता हूँ. आप क्या करें, कंट्रोल सी दबा के इसे प्रोसेसिंग को रोकें, फिर दोबारा एन जी सर्व, क्योंकि एरर आने का कोई सवाल ही नहीं है इसके अंदर. तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये आउटपुट आ चुका है. अगर मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप नीचे देखें वो आपको डेटा मिल चुका है, यानी कि पेरेंट एप डॉट कम्पोनेंट डॉट टी एस के अंदर आपने चाइल्ड कम्पोनेंट यानी कि माई कम्पोनेंट डॉट कम्पोनेंट डॉट टी एस का डेटा आपने यहाँ रिट्रीव कर लिया. तो आप क्लिक मी के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो डेटा आपको यहाँ मिल जाता है. तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप कोई भी अपना चाइल्ड कम्पोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद का कस्टम इवेंट डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग इवेंट इमिटर. तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ के ऊपर बनाने जा रहा हूँ. थैंक यू.